Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is asked in NEET and JEE from the chapter called Chemistry in Everyday Life and Biomolecule. ठीक है, जैसे कि आप हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं कौन से चैप्टर से हमने प्रॉब्लम ली है. दैट इज मोस्टली जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हमने ये प्रॉब्लम लिए. ठीक है, जो पहला जो स्टेटमेंट है या पहला जो प्रॉब्लम है हमारा वो 2022 के नीट के एग्जाम में पूछा गया है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम. ठीक है, और पूछा गया है 2022 में. तो पहला जो स्टेटमेंट है, लाइक द केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोप्रोसेस, ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज द एंजाइम इज द पॉलीसेक्राइड. ठीक है, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही यहां पर निकालना है. ठीक है, दूसरा जो है उसमें कहा है कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट. चौथा ऑप्शन है एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट. ठीक है, तो फिर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो यस, जो हमारा एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं. स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ये भी बरोबर है. लेकिन आपको पता होगा एंजाइम जो है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. ठीक है, और दैट्स वाई वो पॉलीसेक्राइड नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर नहीं है. और हमें वही पता लगाना था इनकरेक्ट कौन सा है. आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारा आंसर. ठीक है, इनकरेक्ट हमको बताना था. तो एंजाइम जो है हमारे वो पॉलीसेक्राइड नहीं होते हैं. एंजाइम मोस्टली हमारे प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम. हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 की एग्जाम में. 2021 की नीट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ लूंगा. गिवन आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए है. पहला स्टेटमेंट कहता है कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल, एस्पिरिन एंड पैरासिटाम बिलोंग्स टू नार्कोटिक ड्रग्स. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है मॉर्फिन और हेरोइन आर नॉट नार्कोटिक ड्रग्स. ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा जो एस्पिरिन है और पैरासिटामोल है ये नार्कोटिक ड्रग्स नहीं है. बेसिकली आपके बॉडी में अगर फीवर वगैरह हो जाए या फिर बॉडी आपकी इचिंग करे तो उसको ट्रीट करने के लिए एस्पिरिन और पैरासिटामोल को यूज किया जाता है, पेन किलर बोलकर. ठीक है, और मॉर्फिन और हीरोइन जो है एक प्रकार के नार्कोटिक ड्रग्स है. आपने देखा होगा कि बहुत सी बार आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कुछ लोगों को मॉर्फिन और हीरोइन का सेवन करते हुए पकड़ा गया. ठीक है, तो एक प्रकार के नार्कोटिक ड्रग्स है, ये अलाउड नहीं होते हैं यूज करना. सो दैट्स वाई स्टेटमेंट दोनों भी जो है क्या है, गलत है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट में जो नार्कोटिक ड्रग्स नहीं है उनको नार्कोटिक्स कहा गया है, और जो नार्कोटिक ड्रग्स है उनको नार्कोटिक नहीं कहा गया है. तो ऐसा ऑप्शन कहा दिखाई दे रहा हमको, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ेंगे हम. दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा ये हमें 2020 की नीट के एग्जाम में पूछा गया है. द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन दैट इज 6 C12H22A11. मतलब आपका एक प्रकार का क्या है ये, इस एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका C12H2O11 को किसके साथ रिएक्ट किया है, H2SO4 के. और H2SO4 आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां पर कार्बन
फॉर्म होता है और उसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है। सो दैट्स वाई ये एक प्रकार की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। सो दैट्स वाई इस रिएक्शन को आप हाइड्रो डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इज अल्डोहेक्सोस, इट कंटेन 5 OH ग्रुप, इट इज द रिड्यूसिंग शुगर और इट इज द अल्डो पेंटोस। ठीक है, ये एक प्रकार का अल्डोहेक्सोस भी है, इट इज द उसके अंदर 5 OH ग्रुप भी होते हैं और रिड्यूसिंग शुगर भी है, लेकिन वो अल्डो पेंटोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो एक प्रकार का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमाइनो एसिड, ये पूछा है 2018 की नीट की एग्जाम में। आपको बताना है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो बेसिक है। पहला है एलेनिन, दूसरा है ट्राइसिन, लाइसिन और सीरीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है लाइसिन जो है हमारा एक प्रकार का बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी जो है हमारा वाटर सॉल्यूबल है, वो वाटर में क्या होता है, H2O में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। सो विटामिन बी इज द वाटर सॉल्यूबल विटामिन और ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, द हार्मोन दैट हेल्प्स द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है, मतलब एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड में करता है, और ये पूछा है AIPMT 2004 में। तो ऐसा कौन सा हमारा हार्मोन्स है हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है, तो ऐसा आपको पता होगा ऐसा जो हार्मोन्स है उसको कहते हैं इंसुलिन, जो ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में करता है, ग्लाइकोजन में, और वो कौन सा होता है, इंसुलिन, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, द केमिकली कंसिडरिंग डाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, अगर केमिकल फेनोमेनॉन के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए, केमिस्ट्री की हेल्प से अगर कंसिडर किया जाए, तो खाना पचना या खाना पचाना ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, तो ये एक प्रकार की हाइड्रोलिसिस नाम की अभिक्रिया हो सकती है। खाना पचाना मतलब केमिस्ट्री के एतबार से अगर हम सोचे तो वो हो सकता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें खाना जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमें मिलते हैं, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और उससे हमको एनर्जी मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लास्ट की ये क्वेश्चन है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबिलाइज बाय, 2004 की AIPMT में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिससे हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो क्या होता है, स्टेबिलाइज होता है। तो आपको बात याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, स्टेबिलाइज होता है। चलो अब लास्ट का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ मेडिसिन हमें दी है, मेडिसिन के प्रकार दिए है, और पहला है एंटा एसिड कौन सा है यहां पर, ठीक है, उसके बाद है एंटा हिस्टामाइन, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबल्स। ठीक है, अब ये ऐसे कौन से है आपको देखना है, जो हमारा सिमिटिडाइन है एक प्रकार का क्या है, एंटा एसिड है। ठीक है, सिमिटिडाइन। ओके चलो, बी जो हमारा एंटी हिस्टामाइन कौन है हमारा, दैट इज द सैल्डॉन। ओके, और सी जो है हमारा एनाल्जेसिक कौन सा है हमारा, जिससे हमको एक प्रकार का पेन रिलीफ होता है उसको कहते हैं हम एनाल्जेसिक, तो वो कौन सा, एक प्रकार का मॉर्फिन। ठीक है, और डी क्या है, एंटी माइक्रोबल्स कौन सा है हमारा, सो दैट इज वन, दैट इज द साल्वोसंस। ओके तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से एंटा एसिड कौन सा है हमारा, दैट इज सिमेटिडाइन, एंटी हिस्टामाइन कौन सा है हमारा, दैट इज सेल्डॉन, उसके बाद है सी, एनाल्जेसिक कौन सा है हमारा, दैट इज
सेल्वोसंस और डी जो है हमारा दैट इज द साल्वोसेंस। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके चलो।